हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब अगली खबर जो है वो उत्तर प्रदेश से है, जहां अपराध घटने का नाम ही नहीं ले रहे। आगरा में महिला डॉक्टर की हत्या, उसके साथी डॉक्टर ने ही की। तो भदोही में नाबालिग लड़की का शव नदी में मिला है, परिवार ने गैंग रेप करके एसिड से जलाने का आरोप लगाया है। अपने सपने पूरे करने के लिए योगिता दिल्ली से आगरा गई थी, डॉक्टर बन गई थी और एमडी का कोर्स पूरा करने के लिए एसएन कॉलेज में पढ़ती थी। दो दिन पहले परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और बताया कि एक डॉक्टर उनकी बेटी को लगातार परेशान कर रहा था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। इसी बीच कल योगिता का शव हाईवे किनारे बमरोली इलाके में मिला। उनके भाई और पेरेंट्स ने थाना पर ये सूचना दी कि एक दिन पहले से उसका मोबाइल ऑफ है और उसका पता नहीं है। उसके साथ ही जो डॉक्टर विवेक तिवारी जो झालावन में मेडिकल ऑफिसर है, उनके द्वारा जो है इनको फोन पे धमकियां दी जाती रही हैं। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि विवेक तिवारी उरई में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात है। पुलिस ने टीम भेजकर डॉक्टर विवेक तिवारी को गिरफ्तार किया तो उसने गुनाह कबूल कर लिया। जालौन से डॉक्टर योगिता से मिलने के लिए शाम को करीबन 6 से 6:30 के बीच में आया था। हमारे रिलेशन तकरीबन 7 सालों से थे। इस बीच में लास्ट बार मीटिंग के दौरान डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया और एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया और लकड़ियों से ढक दिया। आरोपी विवेक तिवारी के पास से वो चाकू भी बरामद कर लिया गया जिससे उसने योगिता पर हमला किया था। भदोही से तो और भी दिल दहला देने वाली खबर आई। दो दिन से लापता नाबालिग लड़की का शव नदी में मिला, जिसके बाद गांव वालों ने दुधी लुम्बिनी हाईवे जाम कर दिया। लड़की के रिश्तेदारों का आरोप है कि गांव के भट्टा मालिकों ने साथियों के साथ गैंगरेप करके तेजाब से शव जलाया और फिर नदी में फेंक दिया। वो हमको लग रहा है वो रेप करके और उसका मर्डर कर दिया, उसके ऊपर तेजाब डाल के। परिवार ने इसको हेरा, 1.5 घंटे 2 घंटे तक हेरा, फिर भी जाके चौकी धरारा पुल पे FIR किया नामजद्दी। फिर भी नामजद्दी वाले का सर रिपोर्ट की में किसी को सर अरेस्ट नहीं किया गया। प्रशासन 2 दिन तक कुछ नहीं बोली सर। पुलिस ने शिकायत के बाद लड़की की तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला और कल शव मिलने के बाद हंगामा मच गया। अब पुलिस कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई और डूबने से मौत हुई। पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई उसमें आया कि इस बच्ची की मृत्यु पानी में डूबने से हुई है और रेप करने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। ये रिपोर्ट देखने के बाद मुझे लगा कि शायद लोग इस पर डाउट करेंगे, तो मैंने डेड बॉडी को रोका जो डिस्पोजल के लिए जा रही थी और आज हम उस डेड बॉडी का फिर से पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों के चार्जर से करवाएंगे। पुलिस का दावा है कि शव जलाया नहीं गया बल्कि डूबने की वजह से शव की ऐसी हालत हो गई है। ये बॉडी चूंकि पानी में पड़ी हुई थी इसलिए डिग्रेडेशन से इस तरह से त्वचा का कलर हो जाता है। पुलिस अब शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने जा रही है ताकि परिवार को कोई शक न रहे। आगरा में बस हाईजैक की खबर होने के बाद से यूपी पुलिस सुर्खियों में। कल एक पूरी बस को ही बदमाशों ने हाईजैक कर लिया था। प्रशासन में हड़कंप मचा और आखिरकार बस को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया गया।